वर्तमान के दौर में आप अपने घर के अंदर कोई कष्ट आ जाए, अपनी जमीन मत बेचना एक बीघा भी। मध्य प्रदेश के बीना विधानसभा में आगामी उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीना के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बीना में एक नया पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला जाएगा, जिसमें पेट्रोकेमिकल जांच की पढ़ाई की जाएगी। इसमें बीना रिफाइनरी में रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। 9 सितंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना के तहत 1,29,00,000 बहनों के खातों में राशि ट्रांसफर की। इस अवसर पर उन्होंने आम सभा को संबोधित करते हुए स्थानीय विधायक निर्मला सप्रे की मांग पर पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की घोषणा की। इसके साथ ही एरन में संस्कृत उत्सव में प्रस्ताव की बात भी की गई है। मुख्यमंत्री ने बीना में विकास की शुरुआत की भी घोषणा की। 3 सड़कों के लिए 15 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति की गई, जबकि सागर में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए 161 करोड़ 24 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई। इसके अतिरिक्त 56 करोड़ रुपए के भूमि पूजन भी किए गए। बीजेपी की घोषणाओं और आम सभा के बाद यह भी राजनीतिक चर्चा में है कि पार्टी ने उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। निर्मला सप्रे ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है, जिससे बीना और बुधनी दोनों क्षेत्रों में उपचुनाव की संभावना बढ़ गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों से अपील की कि वे किसी भी परिस्थिति में अपनी जमीन ना बेचें। उन्होंने कहा कि यदि अत्यंत आवश्यक हो तो मकान बेचना और जेवर गिरवी रखना स्वीकार्य है, लेकिन जमीन ना बेचें, क्योंकि आने वाला समय किसानों के लिए होगा। अब हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, पूरे प्रदेश में धार झाबुआ से लगा करके महाकौशल तक, ग्वालियर चंबल से लगा करके सागर तक, कोई कहीं नहीं जाएगा, सब अपने घर में रहेंगे। अपने खेती बाड़ी को संभालने के साथ साथ वर्तमान के दौर में आप अपने घर के अंदर कोई कष्ट आ जाए, अपनी जमीन मत बेचना एक बीघा भी। आने वाला समय आपका है। पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ करके हमारा बुंदेलखंड और पूरा प्रदेश आगे निकलने वाला है।